दोस्तों, मैंने YouTube पर सड़क 2 के ट्रेलर पर एक पाकिस्तानी यूज़र की टिप्पणी देखी। इस टिप्पणी में लिखा था कि आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई हैव डन माई वर्क। दोस्तों, आमतौर पर जब भी कोई पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर किसी भारतीय कंटेंट पर टिप्पणी करता है, तो उसे भारत की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह की गालियों से नवाजा जाता है। लेकिन जिस टिप्पणी की बात मैं कर रहा हूँ, उस टिप्पणी पर आने वाले रिप्लाइज में कुछ उल्टा ही देखने को मिला। इन रिप्लाइज में से ज़्यादातर सकारात्मक थीं। कई भारतीय लोगों ने तो यू आर अवर ब्रदर जैसी दिल को छू जाने वाली लाइनों का भी इस्तेमाल किया था। दरअसल यहाँ पर वह पाकिस्तानी यूज़र यह कहना चाह रहा था कि उसने भी सड़क 2 के ट्रेलर को डिसलाइक कर दिया है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, जिसने अपनी ज़िंदगी में अपने काम से मतलब रखने के अलावा कुछ नहीं किया, उसके खिलाफ नफरत का कैंपेन चलाने वालों की माने तो वे सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सड़क 2 में काम कर रही आलिया भट्ट नेपोटिज्म की सबसे बड़ी प्रतीक हैं, और यह फिल्म भी उनके पिता महेश भट्ट ने बनाई है, इसलिए वे इसका विरोध कर नेपोटिज्म का शिकार बने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहते हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर जिस तरह से सुशांत के प्रशंसकों की बाढ़ आई है, उसे देखकर यह आश्चर्य होता है कि उनकी सभी फिल्में सुपर डुपर हिट क्यों नहीं रहीं। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि जब तक सुशांत जिंदा थे, तब तक इनमें से ज़्यादातर लोग या तो उनके प्रशंसक नहीं थे या फिर इतने बड़े प्रशंसक नहीं थे। हंसल मेहता ने तो अपने ट्विटर पर इस तरह के फैंस को पहचानने का कैंपेन ही शुरू कर दिया। वे सुशांत के बारे में टिप्पणी करने वाले हर व्यक्ति से पूछते थे कि क्या उसने सोन चिड़िया देखी है। आश्चर्यजनक यह था कि ज़्यादातर लोग इसका जवाब हाँ में देने के बजाय उनसे बहस करने लग जाते थे। आज सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत को सुशांत भैया कहकर संबोधित करने वाला एक अलग ही समूह है, जो उनके जीवन और मृत्यु से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर पूरा भरोसा करता है। और ना सिर्फ भरोसा करता है, बल्कि कुछ लोग तो ऐसी वीडियोस बनाकर YouTube पर ऐसे डालते हैं जैसे मानो अपनी आंखों के सामने घटी कोई घटना बता रहे हों। अगर इनके द्वारा बताई जा रही सुशांत की मौत की वजहों पर गौर करें, तो पहले उनकी मौत नेपोटिज्म की वजह से हुई, फिर यशराज और धर्मा जैसे प्रोडक्शन हाउसेस के बैन की वजह से हुई, उसके बाद रिया चक्रवर्ती के जादू टोने और अंत में शिवसेना नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के कारण हुई। ये तमाम बातें ज़बरदस्त यकीन और बारीकियों के साथ कई कई बार इस तरह बताई जा रही हैं कि सामान्य सा आदमी, जिसे इस बारे में कोई जानकारी ना हो, वो भी इन बातों पर पूरा भरोसा करने लग जाए। इस तरह के चैनल्स पर हर रोज़ होने वाले खुलासों में लगभग वही बातें दोहराई जाती हैं जो पहले से ही सार्वजनिक हो चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के वीडियोस पर लाखों की संख्या में व्यूज़ देखे जा सकते हैं। सुशांत के नाम पर आज तमाम लोगों की ऑनलाइन दुकानें चल रही हैं, और कई लोगों ने तो इसे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, लाइक्स बटोरने और प्रसिद्धि पाने का जरिया बना लिया है। अगर यह मान भी लिया जाए कि सुशांत को न्याय दिलाने की मांग करने वाले सभी लोग उनके सच्चे प्रशंसक हैं, तो भी कई ऐसी वजहें हैं जो इस भीड़ को अजीबोगरीब और मौका परस्त बताने की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ पर अगर पाकिस्तानी यूज़र की टिप्पणी का मैं फिर से जिक्र करूँ, तो यह बात गले उतरना थोड़ा अजीब है कि जिन पाकिस्तानियों को सच्चे देशभक्त हमेशा दुश्मन मानते हैं, आज वे उनसे भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। आलिया भट्ट को नीचे गिराने के लिए वे उन्हें अपना भाई तक कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये प्रशंसक पाकिस्तान से भी ज़्यादा नफरत आलिया भट्ट से करने लगे हैं। आलिया के ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर आने वाली टिप्पणियां पढ़कर किसी भी ठीक ठाक समझ वाले इंसान को सुशांत के कथित प्रशंसकों का रवैया गलत ही नहीं, अमानवीय भी लग सकता है। महज 27 साल की आलिया भट्ट 24 घंटे सातों दिन हजारों लोगों के इस ऑनलाइन अब्यूज़ के चलते किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। यहाँ पर एक सवाल किया जा सकता है कि एक इंसान की मौत की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए प्रशंसक इस हद तक कैसे पहुँच गए कि वे दूसरे इंसान को उसके जीने के अधिकार से ही वंचित कर देना चाहते हैं। ये प्रशंसक इससे पहले कृति सनन को सुशांत की मौत पर अफसोस ना जताने, दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन पर बात ना करने और आयुष्मान खुराना को रिया चक्रवर्ती का साथ देने के लिए गरियाते हुए नजर आ चुके हैं, जबकि कृति सेनन, दीपिका पादुकोण और आयुष्मान खुराना
ये तीनों भी सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह आउटसाइडर्स हैं। ऐसे में यह पूछना लाजमी हो जाता है कि ये प्रशंसक सचमुच नेपोटिज्म वर्सेस टैलेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं।